अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की प्रोग्रेस रुक गई है, बच्चों को पर्सनल अटेंशन और सुरक्षा की जरूरत है और आपको अपने एरिया में अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, तो अब आप बच्चों की जिम्मेदारी छोड़ दीजिए हम पर। जी हाँ, क्योंकि यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा बच्चों को उच्च शिक्षा के साथ निखारते हैं उनकी पर्सनालिटी को। स्कूल में वर्चुअल और वीडियो लर्निंग के साथ प्रैक्टिकल लर्निंग की समस्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जल्द एडमिशन कराएं। एकेडमिक हाइट्स स्कूल, सलासर धाम कॉलोनी, नियर ब्लॉक ऑफिस बिहाइंड होटल सिप पैलेस, मोरानीपुर। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के क्राइम फ्री जालौन की ओर उनकी टीम ने एक और सराहनीय कदम बढ़ाया है, जहां कोठौन थाना पुलिस को बुधवार को दो अहम सफलताएं हासिल हुई। जालौन में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन में क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद के नेतृत्व में कोठौन थाना पुलिस को दो अहम सफलताएं हासिल हुई। पहली सफलता तब मिली जब मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर चार शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए चोरों के पास से दौन गांव में चोरी किया गया सामान बरामद किया गया, जिसमें कई आभूषण शामिल थे, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 3,50,000 रुपए बताई गई है। इसके साथ ही बदमाशों के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा व 3 कारतूस बरामद किए गए। साथ ही दूसरी सफलता में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए बदमाश के बारे में बताया गया है कि वह छिनेती एवं अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त है। अभियुक्त के पास से महिलाओं के साथ की गई छिनेती के दो एंड्रॉइड फोन, एक अवैध तमंचा और कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। बता दें, इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद ने बताया कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के क्रम में जनपद जालौन की कोठौन पुलिस को दो अहम सफलताएं मिली हैं, जिसमें चोरी के मामले में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से लगभग 3.5 लाख मूल्य का जेवरात और कुछ नकदी और एक अवैध तमंचा और एक चोरी की बाइक, गलत नंबर प्लेट वाली बाइक भी बरामद किया गया है। इन चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला जनपद जालौन के कोठौन थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर क्राइम फ्री जालौन की ओर एक और सराहनीय कदम बढ़ाया गया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह के कुशल निर्देशन में और क्षेत्राधिकारी जालौन विजय आनंद के नेतृत्व में कोठौन पुलिस को उस वक्त दो अहम सफलताएं हासिल हुई हैं, जब उन्होंने अलग अलग स्थानों से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। 4 अभियुक्त उन्होंने जो गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पास से समीपवर्ती गांव दौन में चोरी की गई थी, उसमें का सामान बरामद हुआ है। लगभग 3.5 लाख के आसपास के जेवरात बरामद हुए हैं, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है और एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। और दूसरे मामले में एक अंतरजनपदी चोर पकड़ा गया है, जिसका काम महिलाओं के साथ छिनैती और टप्पेबाजी करना था। उसके पास से महिलाओं के साथ छिनैती किए गए 2 एंड्रॉयड फ़ोन और एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुए हैं। इस संबंध में क्षेत्राधिकारी जालौन डॉक्टर विजय आनंद ने खुलासा करते हुए बताया है कि संबंधित गिरफ्तार किए गए जो अपराधी हैं, उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्यों खबरों का सिलसिला यहाँ कभी खत्म नहीं होता। मैं हूँ आपका अपना देवेश, आप देख रहे हैं न्यूज़ बीके।